एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कुछ कह रहा है सुनवा देते हैं आप। लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और फिर और इसमें काफी पैसे वगैरह देके प्रलोभन देके इन चीजों पे काम करता है। उसमें एक व्यक्ति का नाम आया जो कि जिसका नाम उमर गौतम है और ये बाटला हाउस जामिया नगर का रहने वाला है और इन्होंने खुद ही अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। इनसे पूछताछ के लिए पहले दो बार गाजियाबाद बुलाया गया, पूछताछ की गई, सूचनाएं एकत्रित की गई और फिर उन सूचनाओं को काफी विस्तृत रूप से उसकी गहराई से जांच हुई और जो सूचना एकत्रित हुई थी उसके आधार पर और कल जब इन्हें तीसरी बार बुलाया गया तो यहाँ पूछताछ के आधार पे इनकी गिरफ्तारी, इनके और इनके एक साथी जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। तो इसमें देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा ISI और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर और धर्म परिवर्तित लोगों के में उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष और नफरत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करने करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों के में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था और संगठित अपराध कारित करने के ये भी प्रेरित किया जा रहा था। इस संबंध में यहाँ लखनऊ में ATS के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, जिनकी धाराएं आपके पास हमने दे रखी हैं और उस आधार पर दो व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो नामजद थे। इसके अलावा एक संस्था है तथा अन्य लोग भी हैं जो कि नामजद हैं, इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जो सबसे इसमें एक चीज़ आई है कि इन लोगों ने जो हमारे मूक एंड बधिर बच्चे हैं उनको भी, उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराया है ताकि बाद में इसकी कोई गुंजाइश ना हो कि वो वापस अपने धर्म में आ सकें। इनका जो अभी तक के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में लोगों को का धर्म परिवर्तन कराया गया है वो नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी इत्यादि जगहों का है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा ये रैकेट चलाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु इनसे पूछताछ पर आए हैं उसके वो निम्नवत हैं। जो उमर गौतम हैं वो स्वयं हिंदू से मुस्लिम में धर्मांतरित हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का वृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने ये बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है।
जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसके व इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम, निवासी 23/1 फोर्थ फ्लोर विलेज जोगाबाई जामिया नगर नई दिल्ली, जो धर्मांतरण में इस आपराधिक षड्यंत्र में सहयोगी है, के द्वारा धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह की प्रमाण पति विधि विरुद्ध ढंग से तैयार कराए जाते हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेंटर सेक्टर 117 जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो कि मूक और बधिरों का रेसिडेंशियल स्कूल है तथा अन्य मूक बधिर स्कूल के वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार का प्रलोभन जैसे नौकरी, शादी आदि देकर इस्लाम धर्म में शामिल कराया जाता है। इस संबंध में जो छात्र हैं उनके परिजनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसी तरह का एक छात्र आदित्य गुप्ता है, जिसके माता पिता से भी हम लोगों ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने अपने बच्चे के गुमशुदगी की सूचना तथा बाद में ये मुकदमा 364 में परिवर्तित किया गया था, तथा ये भी उन्होंने बताया कि उनका बेटा मूक और बधिर है, उसका धर्म परिवर्तन कराकर कहीं साउथ के किसी राज्य में ले जाया गया है, जिसके बारे में उनके मूक बधिर बच्चे ने मोबाइल से वीडियो कॉल द्वारा बताया है। इसी तरह के एक प्रकरण जो कि प्रेस नोट में है वो गुड़गांव का भी है, और ये उनके जिन बच्चों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है वो इतना डरे हैं कि ये आगे आके अपनी बात पूरी तरीके से बता भी नहीं पा रहे हैं। ये लोग सर्वप्रथम सुलभ टारगेट जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं तथा इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ और अच्छा बनाकर उन्हें मूल धर्म के प्रति दुर्भावना घृणा पैदा कर एवं इस्लाम धर्म के प्रति विश्वास और पक्का कर उसके मूल धर्म से विरत करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, मानसिक दबाव, परिस्थिति का भय दिखाकर इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है तथा धर्मांतरण से संबंधित अभिलेख भी उनको उनके द्वारा कूटरचित तरीके से बनाए जाते हैं। इसके एवज में उन्हें नौकरी, पैसे अथवा विवाह कराया जाता है। समय समय पर ऐसे धर्म परिवर्तित लोगों के सम्मेलन आयोजित कर अन्य गैर मुस्लिम लोगों को लालच देकर भी इससे जोड़ा जाता है। एटीएस की टीम ने जब इनके परिजनों से, बच्चों के परिजनों से बात की तो उन लोगों ने इन सभी चीज़ों की पुष्टि की है, और जो दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनको संबंधित सक्षम न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका आगे भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे तथा अन्य जगहों पे भी जो लोग वांछित हैं, तथा अगर इसके अतिरिक्त जो भी लोग इस कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार कराने में या प्रलोभन देने में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी विधि संवत कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। नहीं, उनके घर वालों से उन लोगों ने वीडियो कॉल कराया है, और चूंकि बच्चे बोल नहीं सकते तो साइनेज के लैंग्वेज से बताया है। ये चीजें विवेचना का प्रश्न है और इसे हम सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत प्रूफ करेंगे। अभी फंडिंग हो
सभी जगह से भारी मात्रा में पैसे आते हैं और उसके सारे कुछ दस्तावेज और प्रूफ भी हमारे पास है। नहीं और भी लोग हैं, ये तो हमने जो दासना में एक मंदिर में दो व्यक्ति घुसने का प्रयास किए थे उनसे जब पूछताछ हुई तो ये चीज़ें निकल के आई हैं और फिर ये पता चला है कि इनका बहुत पैन इंडिया नेटवर्क है जिसमें से कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी एकत्रित कर ली हैं और संबंधित व्यक्ति से दो बार पहले भी पूछताछ की गई थी लेकिन उस समय गिरफ्तारी और अन्य चीज़ों के बारे में दस्तावेज ऐसे नहीं थे। तो जब अब ये बात कंफर्म हो गई है कि एक सुनियोजित साजिश तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इनको गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इसकी कार्रवाई चलेगी। दासना में 3 जून को एक मुकदमा किया गया था। हाँ इसमें भी लिखा है, इसमें लिखा हुआ है। हाँ इसमें कुछ लोगों ने वहाँ अपना नाम बदल के मंदिर में एंटर करना चाहा, उनके पास से ब्लेड इत्यादि मिले थे उसमें और उनसे पूछताछ की गई थी तो उसमें धाराएं जो लगी हैं वो आपके सामने हैं 419, 420, 295A, 505, 506 इत्यादि। वहाँ आपको याद होगा कि एक वहाँ रहते हैं कोई बाबा, उनके भी अटेम्प्ट हुआ था कि उन्होंने कहा कि हम हमको मारने का ये अटेम्प्ट है। नहीं ये खुद कन्वर्टी है, नाम है विपुल विजय वर्गीय लेकिन ये इन्होंने एक मुस्लिम से शादी की है और उसमें एफिडेविट दिया था कि मैंने धन परिवर्तन कर लिया तो अपना नाम बदल के ये जा रहे थे, उनके पास ब्लेड भी था, हो सकता है कि घुस के अटैक करते। हाँ और रात में भी गए थे। दासना से 2 लड़के पकड़े। हाँ तो यूपी एटीएस ने जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी की थी उसी के बारे में जानकारी दे रहे थे प्रशांत कुमार। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये लोग गरीब लोगों को, बेरोजगार लोगों को टारगेट करते थे और अभी तक तकरीबन 1000 लोगों का ये लोग धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं और कई राज्यों तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था।